पंचायती में फोन आ रहा है, पंच से कोई पंचायती के लिए फोन आ रहा है। अच्छा, नहीं पंच हाँ तो जाना जरूरी हमको है, हमको फोन आ रहा है। अच्छा, कितने रोके हुए रखा, खाना खा के है तो नहीं खाना खाए निकल दिए, निकल दिए। फिर आपको कैसे जानकारी मिली कि इनकी हत्या हो गई है? दुश्मनी नहीं थी सर, ये लगातार पंचायती करते थे अपने पंचायत में जा करके, और पंचायती के कारण हो सकता है ऐसा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में अपराधियों के बीच पुलिस प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है, जिसका उदाहरण आज तिल्हाड़ा थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां उप सरपंच के पति की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई है। हमारे पीछे उन्हीं के ये शोक संतप्त परिजन हैं जो अभी बिहार शरीफ सदर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटना घटी थी, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा, ये कौन था? हमारा बहनोई थे। आपके बहनोई थे, यानी आप उनके साले हो। साले हो। क्या नाम हुआ उनका? ललित यादव। ललित यादव, उनकी पत्नी क्या थी? उप सरपंच थी उनकी पत्नी, लीला देवी। लीला देवी किस पंचायत के उप सरपंच थी? कोरमा पंचायत के। आज ये कहां से आ रहे थे या क्या घटना घटी, आपको क्या जानकारी मिली? हमारा गांव कुरुआ पड़ता है। अच्छा, वहीं हम गए थे हमारे यहाँ। ये ललित यादव पौने छह बजे पहुंचे थे, इतना टाइम देखा है मैंने कि यानी कल शाम में। अच्छा, एक घंटा रुके हम, एक घंटा रुके, 7 बजे निकल रही हमारे से। मैंने कहते फोन आ रहा है बहुत जबरदस्त, ये जा रहे हैं, हमको जरूरी काम है। अच्छा, वही चले गए। ये बताए नहीं कि भाई क्या काम है, किस लिए घर जा रहे हैं? वो पंचायती में फोन आ रहा है, वहीं से पंचायती के लिए फोन आ रहा है। अच्छा, नहीं हाँ तो जाना जरूरी हमको है, हमको फोन आ रहा है। अच्छा, कितने रोके हुए रखा, खाना खा के है तो नहीं खाना खाए निकल दिए, निकल दिए। फिर आपको कैसे जानकारी मिली कि इनकी हत्या हो गई है? हमें तो सुबह जानकारी हुई, लेकिन 7:30 बजे हम फोन उनके पास किए। अच्छा, तो फोन किया तो फोन कोई उठाया है, हेलो किया है, और हेलो करने के बाद फिर दोबारा कोई फोन नहीं उठाया है। फिर दो तीन बार कॉल भी किए, घंटी बज रहा था। अच्छा, और फिर हम नहीं जितना हमें। अच्छा, और ये गए थे किस चीज़ से? ऐसे मिलने जुलने के ससुराल से मिलने जुलने गए थे। किस चीज से, पैदल या मोटरसाइकिल से? गए थे मोटरसाइकिल से गए थे। हाँ। और लौटे थे किस चीज से? मोटरसाइकिल से। तो फिर मोटरसाइकिल इनके कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गए थे। वो मोटरसाइकिल भी नहीं है, और मोबाइल? मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल भी नहीं है। बोलिए, गाड़ी का चाबी? और गाड़ी का चाबी मिला है, वहीं में मिला ना। क्या लगता है कि किस कारण से हत्या की गई? हमें तो इसको पता नहीं था, गांव की दुश्मनी हो चाहे कोई पंच का थी ऊपर थे तो कोई फैसला किए उससे दुश्मनी होगा, उससे की होगी। यानी कहीं ना कहीं चुनाव का भी मामला है, कहीं ना कहीं पंचायती का मामला है, और उसी मामले में उप सरपंच पति की हत्या की गई है, जैसा उनके परिजनों के द्वारा ये संदेह व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि किसी से उनकी कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी। लेकिन वो उप सरपंच थे, लगातार पंचायत में पंचायती करते थे, है ना? तो कहीं ना कहीं पंचायती से ही जोड़ा जा रहा है ये मामला, है ना? हकीकत तो ये है कि उप सरपंच पति जो ललित यादव थे, वो अपने ससुराल गए थे और ससुराल से बाइक से लौटे थे, लेकिन घटनास्थल पर उनकी बाइक बरामद नहीं हुई है, बस केवल और केवल मोटरसाइकिल की चाबी बरामद हुई है और एक कलम बरामद हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर अपराधियों ने उनका मोटरसाइकिल भी लेकर चला गया है, उसे बरामद करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। घटनास्थल पर पुलिस जाकर पूरी तरह से एविडेंस को इकट्ठा कर रही है, और भी उनके परिजन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ विद्यानंद सर। कहाँ घर हुआ? ढेबरा पर। कैसे आपको जानकारी मिली? ये हमारा फुफेरा भाई हुए, हमारा सुबह में मालूम हुआ। अच्छा, तब इन्हें हम लोग हुआ गए हैं कोरामा दौड़ल खजूरिया बाबा भी, ललित का गोली मार दी है। अच्छा, फेरा भाई हुआ ही है। क्या लगता है कि किस कारण से की हत्या? हमारा समझ में नहीं आता सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं। हमारा दिमाग जखनी से सुने जो दिमाग फेल। घटना जो है वो तिल्हाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खजूरिया बाबा के समीप घटी थी, जहाँ ललित यादव को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल यह है कि आखिर नालंदा में अपराधी इतने बेलगाम कैसे हो गए? संदेह ये व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि थे और अक्सर गांव में पंचायत में पंचायती करने जाते थे,
तो कहीं ना कहीं उसी पंचायती के खुन्नस के कारण भी इनकी हत्या की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये उनके परिजन हैं और सभी परिजन अभी सदर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और सदर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद पूरी प्रक्रिया की जाएगी। क्या घटना घटा? हम दूसरा मेरा मकान है। अच्छा, लेकिन आपको जानकारी क्या मिली? जानकारी मिली कि उनको गोली लग गई। अच्छा, तो हम वहाँ से, मेरा घर दूर पड़ता है, वहाँ से बहुत दूर पड़ता। उनके गाँव के कोई है यहाँ पे? अच्छा, आपको क्या जानकारी मिली? सर मेरी मामू लगते हैं ये। अच्छा, और हमें सुबह जब सेट मार रहे थे, जहानाबाद हमारा घर हुआ, जहानाबाद से जब सेट मार रहे थे तब फोन गया कि जो आपको मामू का, मेरे मौसेरा भाई बोला कि जो मामू का गोली लग गया। मामू का गोली लग गया। इनको और किसी से कोई दुश्मनी? दुश्मनी नहीं थी सर, ये लगातार पंचायती करते थे अपने पंचायत में जा कर करके, और पंचायती के कारण हो सकता है ऐसा, कहीं ना कहीं पंचायती में जी 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 किसी न किसी से पंचायती के में ऊंचे नीचे के कारण किसी न किसी घात लगा करके इसको साजिश के जरिए मारा गया है। ये रात में कहाँ से लौट रहे थे? ये रात में ये अपने ससुराल से लौट रहे हैं। मोटरसाइकिल से लौट रहे थे जी? घटनास्थल पे मोटरसाइकिल नहीं, नहीं बरामद थी। घटनास्थल पर खाली सिर्फ हम देखे मामू थे, मौसा उस समय पहुँचे तो मौसा बोले कि एक चाबी मिला, एक पेन मिला। चाबी और पेन जी। कितना गोली मारा है ये आप लोग देखें? गोली तीन को लगा हुआ है, तीन को लगा हुआ, दो गोली ललाट पे लगा हुआ है, एक गोली यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, तीन गोली लगा हुआ। तो ये मृतक के परिजन हैं जिनका साफ तौर पे कहीं ना कहीं कहना है कि भाई इन की जो हत्या हुई है वो पंचायती की खुन्नस से हुई है, क्योंकि ये उप सरपंच के पति हैं और लगातार इनके द्वारा पंचायत में पंचायती किया जाता था और उसी में कहीं ऊंच नीच हुआ है जिसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।